हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग हैगर रैंक की एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्वेश्चन लेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन का प्रॉब्लम है, इसका नाम है स्ट्रेंज ग्रिड अगेन। तो चलिए स्ट्रेंज ग्रिड अगेन को रीड आउट करते हैं। स्ट्रेंज ग्रिड हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम एन ओल्ड बुक। इट हैज फाइव कॉलम्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज। द बॉटम रो इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रो। फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द ग्रिड आर लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रिड्स हैं वो इस तरह की हैं, और आप एक चीज देख सकते हैं कि फाइन। सो हमारे पास ये जो रो नंबर वन है वो ये वाली है, रो नंबर टू हमारी ये वाली है, रो नंबर थ्री हमारी ये है, रो नंबर फोर हमारा ये है, रो नंबर फाइव ये है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप एक रिलेशन देख सकते हैं रो नंबर वन टू का, रो नंबर थ्री फोर का, इसी तरह से रो नंबर फाइव के बाद वो जो रो नंबर सिक्स आएगी वो ऐसी होगी, 21, 23, 25, 27, 29 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर मुझे एक रो नंबर मान लीजिए कि वन गिवन है और कॉलम नंबर थ्री गिवन है, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? रो नंबर वन मतलब कि ये वाला रो हो गया और कॉलम नंबर थ्री मतलब फोर वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। तो पैटर्न में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर रो नंबर वन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो रो नंबर टू वन से स्टार्ट हो रहा है, इससे एक ज्यादा से। रो नंबर थ्री अगर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो रो नंबर फोर 11 से स्टार्ट हो रहा है, इससे एक ज्यादा से। इसी तरह से अगर रो नंबर फाइव स्टार्ट हो रहा है 20 से तो रो नंबर सिक्स स्टार्ट हो रहा है, इससे जस्ट एक ज्यादा मतलब 21 से। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। बट उससे भी पहले आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो रो नंबर है उसमें रो नंबर थ्री स्टार्ट हो रहा है 10 से, रो नंबर फाइव स्टार्ट हो रहा है 20 से, जो रो नंबर सेवन होगी वो 30 से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है कि ये 10 के मल्टीपल है। तो अगर मान लीजिए कि रो नंबर वन मुझे गिवन है और 1/2 अगर हम इसको करें और इसको मल्टीप्लाइड विद 10 कर दें, तो 1/2 से इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन से मुझे जीरो मिल जाएगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि रो नंबर वन का जो स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली बात है कि रो नंबर जीरो का जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से हो रहा है। लेकिन अगर मैं रो नंबर टू की बात करूं और सेम फार्मूला अप्लाई करूं, सो 2/2 मल्टीप्लाइड विद 10 करेंगे तो 1 × 10 ये 10 आ जाएगा, 10 नहीं आना चाहिए था। तो एक काम कर सकते हैं हम कि इसमें रो नंबर -1 कर देते हैं, सो 1/2 होगा, इससे ये जीरो आ जाएगा। और आप ये मान सकते हैं कि अगर ये इवन नंबर वाली रो है तो एक्स में एक ऐड कर दीजिए और स्टार्टिंग नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम क्या क्या कर रहे हैं कि आर -1/2 कर रहे हैं एंड देन मल्टीप्लाइड विद 10 कर रहे हैं, इससे एक एक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ये जो रो नंबर मेरी थी वो इवन नंबर वाली रो है मतलब कि आर मॉड्यूलस 2 अगर जीरो है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि एक्स को एक बढ़ा दे रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, अदरवाइज इसको यही रहने दे रहे हैं। तो अगर हम इसमें रो नंबर सिक्स के लिए अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 6 -1/2 मल्टीप्लाइड विद 10। सो ये हो गया 5 -1/2 मतलब 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड विद 10 की वैल्यू हो जाएगी 20। और चूंकि ये इवन नंबर वाली रो है इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 21 इज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ दिस रो। चलिए रो नंबर क्या या रो का जो पहली एंट्री है वो तो हमने फाइंड कर लिया, तो जो पहली एंट्री है वही जो है वो पहले कॉलम की एंट्री होगी, और जो दूसरे कॉलम की एंट्री होगी वो इस वाले कॉलम की वैल्यू से 2 ज्यादा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि C-1 फाइंड करें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो भी मेरे पास है उसमें ऐसा कर देते हैं, एक्स प्लस C-1 × 2। सो वंस अगेन इसको हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने एक एक्स फाइंड किया जो कि स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड कर रहा है। अगर हमारा रो नंबर इवन है तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कर दे रहे हैं, तो ये पहली वैल्यू हो गई, इसका मतलब कि पहले कॉलम की भी वैल्यू है। तो मुझे सी को, सी अगर वन है तो उसको जीरो करना पड़ेगा, तो सी वन है अगर उसको जीरो कैसे करना है, हमें उस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब चूंकि हर एक कॉलम की वैल्यू प्रीवियस कॉलम से 2 ज्यादा है इसलिए मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाइड विद 2 कर लिया। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिक्स नंबर रो की बात कर रहा हूँ और मुझे फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए तो फोर्थ कॉलम की वैल्यू 27 आनी चाहिए। मुझे पता है कि पहले कॉलम की वैल्यू 21 है,
फोर्थ कॉलम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने 4 माइनस 1 इंटू 2 किया, इससे वैल्यू 6 आई है, मैंने 21 में 6 को ऐड कर दिया और मेरा आंसर मुझे निकल गया। फाइन, तो इसका मतलब है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसी को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चेंज हम करेंगे अपनी तरफ से, मैं आपको उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देखिए कि इंटीजर आर ओ सी मुझे गिवन है, इसी के बेसिस पे मुझे आंसर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैंने एक एक्स लिया और एक्स को रो नंबर -1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, और अगर रो नंबर मेरी इवन है तो मैंने एक्स में एक ऐड कर दिया। इसके बाद फिर रिटर्न करना है मुझे, एक्स में ऐड करना है C1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी हमने फार्मूला बनाया था। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखो कि एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो लॉन्ग लॉन्ग में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो रो नंबर था आर और कॉलम नंबर सी, इसके अलावा जो एक्स है, इन तीनों चीजों को मैंने लॉन्ग लॉन्ग बना लिया। कैसे बनाया मैंने, R1 इज इक्वल टू आर कर लिया, C1 इज इक्वल टू सी कर लिया, नए वेरिएबल्स हैं R1 और C1, इसमें मैंने आर और सी की वैल्यू को स्टोर कर लिया है, और जो भी मैं कंप्यूटेशंस कर रहा हूँ और एक्स में स्टोर कर रहा हूँ उसको मैं लॉन्ग लॉन्ग वाली वैल्यूज को ही स्टोर कर रहा हूँ, इसलिए एक्स को मैंने लॉन्ग लॉन्ग बना लिया। फाइनली मैंने रिटर्न भी लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू किया, इसलिए जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग लॉन्ग हो गया। सबमिट करके देखते हैं कोड को। यस, यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।